नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। शरद जी फिल्मकारों के अत्यंत प्रिय लेखक रहे हैं। उनकी अनेक रचनाओं पर कई फिल्में बनी हैं और कई कई बार बनी हैं। दत्ता पर भी बांग्ला भाषा में दो बार फिल्म बनी, 1951 में और 1976 में। आज मैं आपको इसके तीन भाग सुनाऊंगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि अगले अपलोड्स की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए सुनते हैं दत्ता का हिंदी में अनुवाद। उस समय हुगली ब्रांच के हेडमास्टर साहब जिन तीन लड़कों को विद्यालय के रत्न बताते थे, वे तीनों अलग अलग गांवों से हर रोज एक एक कोस का रास्ता पैदल चलकर पढ़ने आते थे। तीनों में बहुत अधिक प्रेम था। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जिस दिन ये तीनों मित्र स्कूल के रास्ते में एक बरगद के ठूंठ के नीचे इकट्ठे न होते हों और वहां से साथ साथ न जाते हों। तीनों के मकान हुगली के पश्चिम में थे। जगदीश सरस्वती का पुल पार करके दिघड़ा गांव से आता था और बनमाली तथा राजबिहारी आते थे पास पास के गांव कृष्णपुर और राधापुर से। इनमें जगदीश सबसे अधिक मेधावी था और सबसे ज्यादा गरीब भी। उसके पिता एक ब्राह्मण पंडित थे जो यजमानी करके ब्याह जनेऊ करवाकर अपनी गृहस्थी चलाते थे। बनमाली धनी घर का लड़का था। उसके पिता को लोग कृष्णपुर का जमींदार कहते थे। राजबिहारी भी अच्छे खाते पीते गृहस्थ थे। जमीन जायदाद, खेती पाती, तालाब बगीचा वगैरह गवई गांव में जिनके होने पर गृहस्थी का निर्वाह सुंदरता से हो सकता है, वह सब उनके पास था। यह सब होते हुए भी लड़कों ने क्यों शहर में मकान किराए पर नहीं ले लिया और क्यों वे आंधी पानी जाड़ा गर्मी सिर पर सहकर इतना रास्ता पैदल चलकर रोज घर से विद्यालय आते जाते रहे? इसका कारण यह था कि उन दिनों माता पिता कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि लड़कों के लिए यह भी कोई कष्ट है, बल्कि वे समझते थे कि इतना दुख उठाए बिना सरस्वती देवी पकड़ाई नहीं दे सकती। सो कारण जो भी हो, तीनों लड़कों ने इसी तरह एंट्रेंस पास की। बरगद के नीचे बैठकर और बरगद के ठूंठ को गवाह बनाकर तीनों मित्र रोज प्रतिज्ञा करते थे कि जिंदगी में हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे। वकील बनकर तीनों एक मकान में रहेंगे, रुपए कमाकर सब एक संदूक में जमा करेंगे और उन्हें देश के काम में लगा देंगे। यह तो हुई लड़कपन की कल्पना, लेकिन जो कल्पना नहीं है, सच है, वह आखिर किस रूप में सामने आया, वही संक्षेप में कहता हूँ। मित्रता की गांठ बीए कक्षा में ही ढीली पड़ गई। उस समय कलकत्ते में केशव चंद्र सेन का प्रचंड प्रताप था, व्याख्यानों की धूम थी। उसे गवई गांव के तीनों लड़के सहसा संभाल न सके, तीनों बह गए। बह जरूर गए, लेकिन बनमाली और राजबिहारी जिस प्रकार खुल्लम खुल्ला दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में शामिल हो गए, जगदीश वैसा न कर सका, असमंजस में पड़ गया। वह तीनों में सबसे अधिक मेधावी अवश्य था, लेकिन बड़े ही कमजोर मन का। तिस पर उसके ब्राह्मण पंडित पिता उस समय तक जीवित थे, जबकि यह बला शेष दोनों के सिर पर नहीं थी। कुछ समय पहले पिता के परलोक चले जाने के कारण बनमाली कृष्णपुर का जमींदार हो गया था और राजबिहारी अपने राधापुर की सारी जमीन जायदाद का एक छत्र सम्राट। इसलिए थोड़े दिन बाद ही ये दोनों मित्र ब्राह्मण परिवारों में विवाह करके और विदुषी पत्नियां लेकर घर लौट आए। लेकिन दरिद्र जगदीश को यह सुविधा नहीं मिल सका। उसे ठीक समय पर कानून पास करना पड़ा और एक गृहस्थ ब्राह्मण की 11 वर्ष की कन्या से विवाह करके रुपए कमाने के लिए इलाहाबाद चले जाना पड़ा। लेकिन बाकी दोनों को जो काम कलकत्ते में बिल्कुल सहज जान पड़ा था, गांव लौटने पर वही बहुत ही कठिन हो गया। बहुएं ससुराल में आकर घूंघट नहीं काटती, जूते मोजे पहनकर रास्ते में बाहर निकलती हैं। यह तमाशा देखने के लिए गाँवों के लोग आ आकर भीड़ करने लगे और गाँव में ऐसी भद्दी हैं हूं शुरू हो गई कि एकदम निरुपाय हुए बगैर कोई भी वहां स्त्री को लेकर वास न कर सकता था। बनमाली के पास उपाय था, इसलिए वह गांव छोड़कर कलकत्ते में आकर रहने लगा और केवल जमींदारी के भरोसे न रहकर उसने रोजगार भी आरंभ कर दिया। लेकिन राजबिहारी की आय थी थोड़ी,
इसलिए वह एक सूपा अपनी पीठ पर और एक विदुषी पत्नी की पीठ पर लादकर किसी प्रकार अपने गांव में ही समाज से बहिष्कृत एक घर होकर रहने लगा। सूपा अर्थात उपाय न होने के कारण विवाह किए बिना ही कष्ट सहने को तत्पर हो जाना। अतएव इन तीनों मित्रों में एक के इलाहाबाद में, एक के राधापुर में और एक के कलकत्ते में रहने लगने के कारण जिंदगी भर कुआरे रहकर एक मकान में निवास करने और एक संदूक में रुपए जमा करके देशोद्धार करने की प्रतिज्ञा फिलहाल स्थगित रही। और जो सूखा बरगद का वृक्ष इनका गवाह था, वह शायद किसी के विरुद्ध कोई अपराध लगाए बिना चुपचाप मन ही मन हंसता रहा। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। इस बीच तीनों मित्रों में शायद ही कभी भेंट हुई हो, लेकिन फिर भी बचपन का प्रेम एकदम लुप्त नहीं हुआ। जगदीश के जब लड़का हुआ, तब उसने बनमाली को सुसंवाद देते हुए इलाहाबाद से लिखा, तुम्हारे अगर लड़की हो तो उसे बहू बनाकर लड़कपन में जो पाप किया है उसका कुछ प्रायश्चित करूंगा। यह बात मैं किसी दिन भी नहीं भूला हूँ कि तुम्हारी दया से ही वकील बनकर अब मैं सुख से रह रहा हूँ। बनमाली ने उसके उत्तर में लिखा, बहुत अच्छा, मेरी कामना है कि तुम्हारा लड़का दीर्घायु हो, लेकिन मेरे लड़की होने की आशा नहीं। तो भी यदि किसी दिन मंगलमय के आशीर्वाद से संतान हुई तो मैं तुम्हें दूंगा। चिट्ठी लिखकर बनमाली मन ही मन हंसा, क्योंकि 2 वर्ष पहले उसके दूसरे मित्र रास बिहारी के जब लड़का हुआ, तब उसने भी ठीक यही प्रार्थना की थी। व्यापार की कृपा से अब वह बहुत बड़ा धनी हो गया है, इसलिए उसकी कन्या को सभी अपनी बहू बनाना चाहते हैं। 4-6 महीने की नहीं, 25 वर्ष बाद की कहानी लिख रहा हूँ। बनमाली अब बूढ़े हो गए हैं, कई वर्षों से रोग भोगते वे चारपाई पर पड़ गए हैं और उन्हें मालूम हो रहा है कि अब शायद उठना नहीं हो सकेगा। हमेशा से ही वे भगवत परायण और धर्म भीरू हैं। मौत से उन्हें डर नहीं, लेकिन यह सोचकर ही कुछ दुखी हैं कि वे अपनी एकमात्र कन्या विजया का ब्याह कर जाने का मौका नहीं पा सके। एक दिन तीसरे पहर अचानक विजया का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, मेरे लड़का नहीं है, इसके लिए मैं जरा भी दुखी नहीं हूँ। तू मेरी सब कुछ है। यद्यपि अभी तक तेरे 18 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, किंतु तेरे सिर पर इतनी बड़ी संपत्ति का बोझ रखकर जाते हुए मुझे रत्ती भर भी भय नहीं हो रहा है। तेरे माँ नहीं, भाई नहीं, कोई बूढ़ा काका दादा तक नहीं, तो भी मैं खूब जानता हूँ कि मेरा सब सुरक्षित रहेगा। केवल एक अनुरोध किए जाता हूँ बेटे, जगदीश चाहे जो करे और चाहे जैसा हो, वह मेरा लड़कपन का मित्र है। अपने ऋण के बदले उसका घर द्वार नहीं ले लेना। उसके एक लड़का है, उसे मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुना है वह बहुत अच्छा है। बाप के अपराध से उसे निराश्रय मत करना बेटी, यही मेरा अंतिम अनुरोध है। विजया ने आंसुओं से रुंधे हुए गले से कहा, बापू तुम्हारा आदेश मैं किसी दिन नहीं टालूंगी। जगदीश बाबू जितने दिन जिएंगे उन्हें तुम्हारे समान ही मानूंगी, लेकिन उनके न रहने पर सब संपत्ति उनके लड़के के लिए यूं ही व्यर्थ छोड़ दूंगी। उन्हें तुमने भी आंखों से नहीं देखा और मैंने भी नहीं, और यदि सचमुच ही वे पढ़े लिखे हैं तब तो सहज ही अपने पिता का ऋण चुका सकेंगे। बनमाली ने कन्या के मुंह की ओर आंखें उठाकर कहा, ऋण भी तो कुछ कम नहीं है बेटी, लड़का ठहरा, यदि ना चुका सके तो? कन्या ने उत्तर दिया, जो नहीं चुका सकता वह कुसंतान है बापू, उसे सहारा देना उचित नहीं। बनमाली अपनी सुशिक्षिता तेजस्विनी कन्या को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने अधिक तर्क वितर्क नहीं किया और केवल एक लंबी सांस लेकर कहा, सारे काम काजों में भगवान को सिर माथे पर रखकर जो कर्तव्य हो वही करना बेटी, मैं कोई विशेष अनुरोध करके तुम्हें बांध कर नहीं जाना चाहता। यह कहकर क्षण भर चुप रहकर उन्होंने फिर एक सांस ली और कहा, जानती हो बेटी विजया, यह जगदीश जब सचमुच मनुष्य कहे जाने योग्य था, तब उसने तेरे पैदा होने के पहले ही तुझे अपने इस लड़के के नाम पर मांग लिया था। मैंने भी बेटी बात दे दी थी, यह कहकर उन्होंने उत्सुक दृष्टि से देखा। बनमाली की यह कन्या बचपन में ही माँ से बिछुड़ गई थी, उन्होंने ही इसके माता पिता दोनों का स्थान पूरा किया था, इसलिए विजया ने पिता से माँ का लाड़ करने में कभी संकोच नहीं किया। उसने कहा, बापू तुमने केवल मुंह की ही बात दी थी, मन की नहीं। क्यों बेटी, दी होती तो क्या एक बार उन्हें अपनी आंखों से भी ना देखना चाहते?
बनमाली ने कहा। राज बिहारी से जब सुना कि लड़का शायद अपनी माँ के समान दुर्बल है, डॉक्टर लोग उसके दीर्घ जीवन की आशा नहीं करते, तब मैंने उसे नजदीक पाकर भी कभी बुलाकर नहीं देखना चाहा। उस समय वह इस कलकत्ते में ही किसी एक बासे में रहकर बीए पढ़ता था। उसके बाद अपनी बीमारी की परेशानी के कारण वह बात फिर सोची ही नहीं। लेकिन अब देखता हूँ मुझसे भारी भूल हो गई बेटी, तुझसे सच कह रहा हूँ विजया। उस समय जगदीश को तेरे संबंध में मैंने अपने मन से ही वचन दिया था। कुछ क्षण ठहर कर उन्होंने कहा, आज तो सब यही जानते हैं कि जगदीश एक अकर्मण्य जुआरी, अपदार्थ, नशेबाज है। लेकिन एक समय था जब यह जगदीश ही हम सब में सबसे अच्छा था। विद्या बुद्धि के लिए नहीं कहता बेटी, वह तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन इस तरह प्राण देकर प्रेम करते मैंने और किसी को नहीं देखा। और यह प्रेम ही उसका काल हुआ। उसके अनेक दोष मैं जानता हूँ, किंतु जब याद आता है कि स्त्री की मृत्यु के कारण वह शोक से पागल हो गया, तब तेरी माँ की बात स्मरण करके मैं तो बेटी मन ही मन श्रद्धा किए बिना न रह सका। उसकी स्त्री सती लक्ष्मी थी। उसने मरने के समय नरेंद्र को पास बुलाकर केवल इतना ही कहा था, बेटा केवल यही आशीर्वाद दिए जाती हूँ कि भगवान पर तुम्हारा अचल विश्वास रहे। सुना है कि माँ का अंतिम आशीर्वाद निष्फल नहीं गया। नरेंद्र ने इतनी वयस में ही भगवान को अपनी माँ के समान ही प्रेम करना सीख लिया है, और जो यह कर सका है संसार में उसके लिए और क्या बाकी रहा बेटी, विजया ने प्रश्न किया। तो क्या संसार में यही सबसे बड़ा पाना है बापू, मरणोन्मुख बूढ़े की सूखी आंखें सजल हो उठी। सहसा दोनों हाथ बढ़ाकर कन्या को हृदय पर खींच कर उन्होंने कहा, हाँ यही सबसे बड़ा पाना है बेटी, संसार के भीतर संसार के बाहर विश्व ब्रह्मांड में इतना बड़ा पाना और कुछ नहीं है। विजया तुम खुद किसी दिन पा सको या ना पा सको बेटी, पर जो पा चुका है तुम उसी के पैरों में मस्तक रख सको, मरते समय तुम्हें यही आशीर्वाद दिए जाता हूँ। विजया उस दिन पिता की छाती पर औंधी पड़ी हुई थी। उसे ऐसा लगा कि कोई मानो बहुत मधुर बहुत उज्जवल दृष्टि से उसके पिता के हृदय के भीतर से उसके अपने हृदय के गहरे अंतस्थल तक प्रेम पूर्वक एक टक देख रहा है। इस अभूतपूर्व परम आश्चर्यप्रद अनुभूति ने उस दिन क्षण भर के लिए उसे घेर सा लिया। बनमाली ने कहा, लड़के का नाम नरेंद्र है। बाप के मुंह से सुना है कि वह डॉक्टर हो गया है, लेकिन डॉक्टरी नहीं करता। यदि इस देश में होता तो एक बार उसे बुलाकर आंखें भरकर देख लेता। विजया ने प्रश्न किया, इस समय वे कहाँ हैं? बनमाली ने कहा, अपने मामा के पास बर्मा में। इस समय मुझमें जगदीश की सब बातें सिलसिले से कहने की शक्ति नहीं है, तो भी उसके मुंह की एक दो उतराती हुई बातों से मालूम हुआ मानो उस लड़के ने अपनी माँ के सारे ही सद्गुण पाए हैं। भगवान करें जहाँ जिस दिन भी हो वह जिए जागे। शाम हो गई, नौकर दिया बत्ती करने आकर विलास बाबू के आने की खबर देकर चला गया। बनमाली ने कहा, तो तुम अब नीचे जाओ बेटी, मैं थोड़ा विश्राम करूं। विजया जब पिता के सिरहाने का तकिया संभाल कर शाल को पैरों पर यथास्थान खींच कर प्रकाश को आंखों के ऊपर से आड़ में करके नीचे चली गई, तब पिता की जीर्ण छाती को भेद कर केवल एक लंबी सांस निकल गई। उस दिन विलास के आने की खबर से कन्या के मुंह पर जो अरक्त आभा दिखाई पड़ी थी वृद्ध को उसने व्यथा ही पहुंचाई। विलास बिहारी राज बिहारी का लड़का है। वह इसी कलकत्ते में पहले FA में पढ़ता रहा, अब BA में पढ़ रहा है। बनमाली समाज त्याग करने के बाद से अधिकतर देश नहीं जाते, यद्यपि रोजगार की उन्नति के साथ साथ देश में भी उन्होंने बहुत सी जमींदारी बढ़ा ली है, लेकिन उस सब की देखभाल का भार उनके बाल्य बंधु राज बिहारी पर है। उसी सिलसिले में विलास का इस घर में आना जाना आरम्भ होकर कुछ समय के बाद जिस कारण अधिक हो गया उसका पता बाद को लगेगा। 2 महीने हुए बनमाली की मृत्यु हो गई है। उनके कलकत्ते के भारी बड़े घर में विजया इस समय अकेली है। उसकी देश की मिल्कियत की देखभाल राज बिहारी करते थे और इसी सूत्र से उसके एक प्रकार से अभिभावक बन बैठे, लेकिन वे खुद गांव में रहते हैं, इसलिए उनके लड़के विलास बिहारी पर ही विजया की सारी खबरदारी का भार आ पड़ा है। यही उसका वास्तविक अभिभावक बन गया है। उन दिनों प्रत्येक ब्राह्म परिवार में सत्य सुनीति सुरुचि शब्द बहुत बड़े बनाकर सिखाए जाते थे, क्योंकि विदेश में पढ़ने जाकर हिंदू युवक जब पिता माता के विरुद्ध देव देवियों के विरुद्ध
प्रतिष्ठित समाज के विरुद्ध विद्रोह करके इस समाज में बंधे हुए रजिस्टर में नाम लिखा बैठते थे, तब ये शब्द ही टेक लगाकर उनके कच्चे मस्तक को गर्दन पर सीधा रख सकते थे, झुककर और टूटकर गिरने नहीं देते थे। वे कहते, जो सच समझेंगे वही करेंगे, चाहे माता का अश्रुजल हो, चाहे पिता का दीर्घ श्वास, कुछ भी देखने सुनने की जरूरत नहीं। ये सब दुर्बलताएं सब प्रयत्नों से दूर करेंगे, नहीं तो प्रकाश का पता नहीं पा सकेंगे। और ये सब बातें विजया ने भी सीख ली थी। आज गांव से विलास बाबू बूढ़े शराबी जगदीश का मृत्यु संवाद लेकर आए थे। वे विजया के पिता के मित्र अवश्य थे, लेकिन विलास बाबू जब कहने लगे कि किस प्रकार जगदीश शराब पीकर बेहोश होकर छत से गिरकर मर गए, तब ब्रह्म धर्म की सुनीति स्मरण करके विजया ने पिता के इस दुर्भाग्य सखा के विरुद्ध घृणा से होठ विकृत करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। विलास कहने लगा, जगदीश मुखर्जे मेरे पिताजी का भी छुटपन का मित्र था, लेकिन वे उसका मुंह तक नहीं देखते थे। वह दो बार रुपए उधार मांगने आया, पिताजी ने दोनों ही बार उसे नौकर से फाटक के बाहर निकलवा दिया। वे सदा ही कहा करते थे, इन अनाचारियों को आश्रय देना मंगलमय भगवान के श्री चरणों में अपराध करना है, विजया ने सम्मति देते हुए कहा। बिल्कुल सच कहते हैं, विलास उत्साहित होकर व्याख्यान के ढंग से कहने लगा, मित्र हो या कोई भी हो, दुर्बलता के कारण किसी भी तरह ब्रह्म समाज के चरम आदर्श को गिराना उचित नहीं है। न्याय से अब जगदीश की सारी संपत्ति हमारी है, उसका लड़का पिता का ऋण चुका सके तो अच्छा है, न चुका सके तो कानून के अनुसार इसी क्षण हमें सब हाथ में ले लेना चाहिए। असल में छोड़ देने का हमें अधिकार भी नहीं है, क्योंकि इन रुपयों से हम अनेक सत्कार्य कर सकते हैं, समाज के किसी लड़के को विलायत तक भेज सकते हैं, धर्म प्रचार में खर्च कर सकते हैं, और न जाने कितने अच्छे काम कर सकते हैं। क्यों यह ना करें बताइए, इसके सिवा जगदीश या उसका लड़का हमारे समाज का भी नहीं है जो उस पर किसी प्रकार की दया करना आवश्यक हो। पिताजी ने आज मुझे आपके पास यह कहकर भेजा है कि आपकी सम्मति पाते ही वे सब ठीक ठाक कर डालेंगे। विजया मृत पिता की अंतिम बातें स्मरण करके कुछ सोचने लगी, सहसा जवाब नहीं दे सकी। उसको इस तरह संकोच करते देखकर विलास जोर देकर दृढ़ स्वर से कह उठा, नहीं नहीं, आपको मैं किसी प्रकार टालमटूल नहीं करने दूंगा। दुविधा और दुर्बलता पाप हैं। केवल पाप ही क्यों, महापाप हैं। मैंने मन ही मन संकल्प किया है कि उसका सारा घर आपके नाम लिखवाकर मैं वह करूंगा जो कभी नहीं हुआ। गवई गांव में ब्रह्म मंदिर की प्रतिष्ठा करके देश के अभागे मूर्ख लोगों को धर्म की शिक्षा दूंगा। आप एक बार सोचिए तो सही, देखिए इन लोगों की मूर्खता की ज्वाला से तंग आकर ही तो आपके स्वर्गीय पितृदेव ने देश छोड़ा था। उनकी कन्या होकर क्या आपको उचित नहीं है कि यह निष्कलंक बदला लेकर उनका ही चरम उपकार करें? बोलिए, आप ही तो इस बात का उत्तर दीजिए। विजया विचलित हो उठी। विलास दृढ़ स्वर से कहने लगा, सारे देश में कितना नाम हो जाएगा, कैसी धूम मच जाएगी, सोच कर तो देखिए। हिंदुओं को स्वीकार करना ही होगा, और यह कराने का भार मुझ पर है कि ब्रह्म समाज में मनुष्य हैं, हृदय है, स्वार्थ त्याग है। जिसको उन्होंने निरातन करके देश से विदा कर दिया था, उसी महात्मा की महीयसी कन्या ने उनके ही कल्याण के लिए यह विपुल स्वार्थ त्याग किया है। सारे भारतवर्ष में कितने विराट मॉरल इफेक्ट होगा बताइए तो। यह कहकर विलास बिहारी ने सामने की टेबल पर जोर से हाथ पटका। सुनते सुनते विजया मुग्ध हो गई। सचमुच ही इतने बड़े नाम का लोभ संवरण करना उस 18 वर्ष की लड़की के लिए संभव नहीं। उसने पूरी सम्मति देकर कहा, उनके लड़के का नाम सुना है नरेंद्र है, अब वह कहाँ है जानते हैं? जानता हूँ। अभागे पिता की मृत्यु के बाद वह घर आ गया है और अब उनका श्राद्ध करके वहीं रहने लगा है। आपसे जान पड़ता है बातचीत होती है। बातचीत? छी, आप मुझे क्या समझती हैं बताइए तो। यह कहकर विजया को एकदम अप्रतिभ करके विलास बाबू कुछ हंसे और बोले, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि जगदीश मुखर्जी के लड़के से बात करनी चाहिए। तो भी उस दिन रस्ते में सहसा पागल के समान एक नए आदमी को देखकर मैं चकित हो गया। सुना वही नरेंद्र मुखर्जी है? विजया ने कौतूहल से पूछा। पागल के समान? सुना है वे तो शायद डॉक्टर हैं।
विलास बाबू ने घृणा से सारे अंगों को सिकोड़ कर कहा, ठीक पागल के समान, डॉक्टर मैं विश्वास नहीं करता। मस्तक पर बड़े बड़े बाल, जैसा लंबा वैसा ही रोगी सा, हृदय का प्रत्येक पंजर मैं समझता हूँ दूर से गिना जा सकता है। यही तो रूप है, मानो ताड़ के पत्ते का सिपाही हो। छी, वास्तव में अपने रूप का गर्व कराने का अधिकार विलास को था, क्योंकि वह ठिगना, मोटा और भारी जवान था। उसके छाती के पंजर बम मारकर भी नहीं देखे जा सकते। वह और भी कुछ कहने जा रहा था, पर विजया ने बाधा देकर पूछा, अच्छा विलास बाबू, जगदीश बाबू का घर यदि हम सचमुच ही दखल कर लें, तो गांव में क्या भद्दा अपवाद ना उठ खड़ा होगा? विलास जोर देकर कह उठा, बिल्कुल नहीं। आप 5-7 गांव में ऐसा एक भी आदमी नहीं पाएंगी जिसकी इस शराबी पर बूंद भर सहानुभूति रही हो। ऐसा कोई भी आदमी उस परगने में नहीं है जो उसके लिए आह कहे। फिर कुछ हंसकर कहा, किंतु यदि ऐसा ना भी हो तो भी मेरे जीवित रहते वह चिंता आपके मन में नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ, थोड़े दिन के लिए एक बार देश जाना आपका भी कर्तव्य है। विजया ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्यों, मैं कभी तो वहां गई नहीं। विलास उद्दीप्त स्वर से कह उठा, इसीलिए तो कहता हूँ आपको जाना ही चाहिए। प्रजा को एक बार अपनी महारानी देखने दीजिए। मुझे तो निश्चय ही ऐसा लगता है कि उन्हें इस सौभाग्य से वंचित करना महापाप है। लज्जा से विजया का सारा मुंह आरक्त हो गया। उसके नीचा मुंह करके कोई एक बात कहने की चेष्टा करते ही विलास बाधा डालकर बोल उठा, इसमें उधर उधर करने की बात ही नहीं है। एक बार सोचकर तो देखिए, कितने काम आपको वहां करने हैं। यह बात आपके मुंह के ऊपर ही मैं कह सकता हूँ कि आपके पिता इतनी बड़ी जमींदारी के मालिक होकर भी कुछ पागल कुत्तों के डर से कभी अपने गाँव में वापस नहीं गए। यह उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। यह क्या हमारे ब्राह्मण समाज का आदर्श है? यह तो किसी समाज का आदर्श नहीं है। विजया ने क्षण भर चुप रहकर कहा, लेकिन बापू के मुंह से सुना है अपना देश का घर तो रहने योग्य नहीं है। विलास बोला, आप हुक्म दीजिए, एक बार बोलिए कि वहां जाइएगा, मैं 10 दिन के भीतर ही उसे रहने योग्य बना दूंगा। मुझ पर निर्भर कीजिए, मैं प्राण पण से इसका बंदोबस्त कर दूंगा कि वह मकान आपकी मर्यादा को 16 आने संभाल सके। देखिए, यह बात बहुत दिन से बार बार मेरे मन में आती रही है कि आपको अपने सामने रखकर मैं जो कुछ कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। विजया को राजी करके विलास चला गया। वह उसी स्थान पर चुपचाप बैठी रही जो उसका गाँव है, देश है। उसमें वह जन्म से आज तक यद्यपि कभी नहीं गई, लेकिन बीच बीच में पिता के मुंह से उसका कितना वर्णन उसने नहीं सुना है। देश की बातें करने में उनके उत्साह और आनंद का पार नहीं रहता था, लेकिन तब वे सब कहानियां उसका मन जरा भी आकर्षित नहीं कर पाती थी। जो ही सुनती थी यूं ही भूल जाती थी, लेकिन आज कहीं से अकस्मात वे सब भूली बातें लौट आकर आकार धारण करके उसकी आंखों के सामने झूल गई। उसे लगने लगा उसके गाँव का घर जरूर कलकत्ते की सट्टालिका के सामने बड़ा और शानदार नहीं है, लेकिन वही तो उसके साथ पुरखों की दहरी है। वहां बाबा आजी, पर बाबा पराजी, उनके भी माता पिता इस प्रकार न जाने कितने पुरखों के सुख दुख में और उत्सव कष्ट में यदि दिन कट गए तो उसके ही आखिर क्यों नहीं कटेंगे। गली के सामने हाजराओं के तिमंजिले मकान की आड़ में सूर्य छिप गया। इस बात को लेकर पिता के साथ उसकी न जाने कितनी बातें हो चुकी हैं। उसे याद आया कितनी संध्याओं में वे उस इजी चेयर पर बैठकर लंबी सांस छोड़कर बोले हैं, विजया मैंने यह दुख अपने देश के घर में कभी नहीं पाया। वहां कभी किसी हाजरा की तिमंजली छत हमारे इस शेष सूर्यास्त को इस प्रकार छिपाकर खड़ी नहीं हुई। तू तो जानती नहीं बेटी, लेकिन मेरी जो दोनों आंखें इस हृदय के भीतर से उचक कर एकटक देखती है, साफ देख रही हैं कि अपनी फुलवारी के किनारे छोटी नदी इस समय सोने के जल से झलमल कर उठी है, और उसके उस पार जितनी दूर नजर जाती है, मैदान के बाद मैदान के अंत में इस समय भी सूर्य भगवान जाते जाते भी गांव की माया काट कर जा नहीं सके हैं। बेटी, गली के मोड़ पर तू देख रही है कि दिन का काम पूरा करके घरों की ओर मनुष्यों का स्रोत बहा जा रहा है, लेकिन इस 10-12 हाथ जमीन को छोड़कर उनके साथ जाने का जरा भी तो रास्ता नहीं बचा है।
इस संध्या बेला में वहां भी तो मनुष्यों का उल्टा स्रोत घर की ओर बहकर जाता हुआ दिखता है, किंतु मुझे उनके प्रत्येक गोरु बछड़े की थान तक का परिचय रहता था बेटी। इस प्रकार कहकर वे अकस्मात एक अत्यंत गहरी सांस हृदय से निकालकर चुप हो जाते थे। एक दिन वे जिस गांव को छोड़ आए थे उसके लिए इतने सुख ऐश्वर्य में भी उनका हृदय रोता रहता था। इस बात को विजया जब तब जान लेती थी, तथापि एक दिन भी उसने इसका कारण सोचकर नहीं देखा। लेकिन आज विलास बाबू के उस ओर दृष्टि आकर्षित करके चले जाने पर परलोकगत पितृदेव की बातें स्मरण हो आईं और उनकी सारी छिपी वेदना का कारण अकस्मात एक मुहूर्त में उसके मन में प्रकाशित हो उठा। कलकत्ते की इस विपुल भीड़ भाड़ में भी वे किस प्रकार एकाकी जीवन बिता गए हैं, आज उसे आंख के आगे खड़ा देखकर वह एकदम डर गई। और आश्चर्य यह है कि जिस गांव जिस घर से उसका जन्म से लेकर अब तक कोई परिचय नहीं है, वही आज उसे दुर्निवार शक्ति से खींचने लगा। अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बांग्ला में लिखे उपन्यास दत्ता का हिंदी में अनुवाद। आज आपने इसके भाग 3 तक सुने। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले भागों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।